पर जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि सेटलमेंट बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो शेंजेन जोन को चूज करते हैं। जा रहा हूं, ये है सर जर्मनी जिसको हम कहते हैं। जर्मनी ने एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम इमिग्रेशन लॉन्च की है। एक स्टूडेंट है वो जर्मनी में चला जाता है, वो जर्मनी में जाके क्या करता है कि जी वो एक वन ईयर प्रोग्राम में, एक साल के प्रोग्राम में इनरोल हो जाता है। टोटल आपने 100 पॉइंट्स स्कोर करने हैं अगर आपने पीआर के लिए क्वालिफाई करना है तो। अब ये 100 पॉइंट्स कैसे आएंगे, यहाँ पे आ रहा है कि कौन से डिमांडिंग सेक्टर्स है जो उन्होंने लॉन्च किए हैं। नंबर वन के ऊपर उन्होंने हेल्थ का सेक्टर को कहा है, के ऊपर उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है आईटी का सेक्टर, ये है। थर्ड पार्टी के ऊपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग जो इंजीनियरिंग से। फोर्थ के ऊपर है कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। आप लोगों से ये वीडियो जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टिव की वजह से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें सबसे पहले नंबर पे जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि सेटलमेंट बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो शेंजेन जोन को चूज़ करते हैं, और शेंजेन जोन में वो किसी पर्टिकुलर कंट्री की अगर वो बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पुर्तगाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इजीली हम चले जाएँ तो हमें पेपर्स मिल जाते हैं। लेकिन मैं पुर्तगाल की बात नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इंतहाई ज़्यादा आसान किस्म का इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी सारी चीज़ें भी इसकी काफ़ी आसान है, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा अगर कंट्री में पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए दो चीज़ें हैं, सेटलमेंट भी बनानी है और अर्निंग भी करनी है। तो पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो शेंजेन जोन के जिस कंट्री की मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ये है सर जर्मनी जिसको हम कहते हैं। जर्मनी ने एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम इमिग्रेशन लॉन्च की है, एक न्यू गेटवे है उन लोगों के लिए जो स्किल प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए। ये मार्च 2023 की बात है, इस मार्च में कि उनके जो एक लेबर मिनिस्टर है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को डील करते हैं, उन्होंने कहा कि वो सारे लोग जो जर्मनी के अंदर हैं और उनको प्रॉपरली जो है ना वो काम नहीं कर पा रहे, या अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो थोड़ी सी बिल्डअप हो रही है, या फिर उनकी इमिग्रेशन जो है ना या माइग्रेशन जो असाइलम प्रोग्राम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि एक फंटेस्टिक सिस्टम, एक फंटेस्टिक गेटवे लॉन्च किया है। इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक के जैसे कनाडा का पीआर सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया का पीआर सिस्टम है, परमानेंट रेजिडेंट सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि आप अपनी रूट थ्रू कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं जो कोई सर्च कर रहा होता है। तो इसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने जो है ना वो एक पॉइंट बेस्ड स्कोर सिस्टम लॉन्च कर दिया है, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे कनाडा का है या ऑस्ट्रेलिया का एक पॉइंट बेस्ड स्कोर सिस्टम है। अब मैं आपको थोड़ा सा भैया भी बताऊँगा, स्क्रीन पर कुछ चीज़ें भी मैं प्ले करूँगा, आप उसको देखिएगा। तो ये जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है ये किस वजह से है, सपोज टू बी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और फिर उस एग्जाम्पल से आगे बात कंटिन्यू करते हैं। एक स्टूडेंट है वो जर्मनी में चला जाता है, वो जर्मनी में जाके क्या करता है कि जी वो एक वन ईयर प्रोग्राम में, एक साल के प्रोग्राम में इनरोल हो जाता है। जब वो एक साल के प्रोग्राम में इनरोल हो जाता है तो उसने मैक्सिमम जो स्टे था वो वहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, वो उसका जो मैक्सिमम स्टे है वो जर्मनी में जो रहते हुए उसने किया हुआ है वो है जी वन ईयर का। उसमें वो सिक्स मंथ तक उसका स्टे कंटिन्यूटी था, कंटिन्यूटी के साथ उसने किया हुआ है, उसके बाद वो इन एंड आउट भी हुआ है। एटलीस्ट सिक्स मंथ तक आपका वहाँ पर जो है ना वो स्टे कम्प्लीट होना चाहिए। अगर आप सिक्स मंथ तक वहाँ पर हैं आपको इसके भी पॉइंट्स मिलेंगे, आपको इसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल आपने 100 पॉइंट्स स्कोर करने हैं अगर आपने पीआर के लिए क्वालिफाई करना है तो। अब ये 100 पॉइंट्स कैसे आएंगे, नंबर वन के ऊपर आती है आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड डिग्री है जो आपने किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो फॉरेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एफिलिएटेड है और उसकी एफिलिएशन जो है ना वो HEC के साथ हैं और HEC उसको रिकोगनाइज करती है, होल्ड करती है, उसके बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है इसके 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। आपका एक्सपीरियंस के आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और एक्सपीरियंस जो है वो आपका आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए या किसी भी ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होना चाहिए जो आपके एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करती है। एग्जैक्टली सर ये सेम सिस्टम है, ये सेम क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और जो कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं वही क्राइटेरिया है। पर्टिकुलरली उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया उन लोगों के लिए जो जर्मनी के अंदर रह रहे हैं और वो जर्मनी के अंदर सेटल्ड होना चाहते हैं, वो अपनी पीआर लेना चाहते हैं। पर्टिकुलरली इस सिस्टम को लॉन्च करने का पर्पस जो है ना वो उन लोगों के लिए है। फिर इसके पॉइंट्स हैं, अगर आपकी एज जो है ना वो 30 की ब्रैकेट्स में है तो 30 लेस देन 35 है तो आपको इसका पॉइंट मिलेंगे 3, लेकिन अगर आपकी एज 35 टू 40 की ब्रैकेट में है तो आपको 1 पॉइंट उसका मिलेगा। इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं
और आपकी जो वाइफ है वो भी इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, तो उसके आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन में, आपने जर्मनी में जाके अगर पीआर को होल्ड करना है, तो जैसे आपको पता है कनाडा आयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो आयर्स का जो स्कोर है वो कनाडा ने रखा हुआ है कि जी मिनिमम 8777 की एक फिगर है कि आपके लिस्टिंग में 8 होना चाहिए, बाकी 777 होना चाहिए। उसके बाद आप 7 स्कोर अगर करते हैं तो आप प्रोवेंशनल नॉमिनी स्कोर में भी जा सकते हैं, वो उनका जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी आपको टू सम एक्सटेंट 360 370 375 तक आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप पूल में पड़े हैं, और अगर आपकी लक भी अच्छी है तो क्वालिफाई करने के लिए कनाडा में। लेकिन सर जर्मनी में इंतहाई आसान है, आपने जर्मन लैंग्वेज करनी है, आपकी जर्मन लैंग्वेज A2 में होनी चाहिए। A2 अगर जर्मन लैंग्वेज का आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आप इस पॉइंट बेस सिस्टम के थ्रू अप्लाई करते हैं, आपकी जो PR है जर्मन की, इमिग्रेशन PR सिस्टम है, वो आपकी पॉकेट में है। इतना ये इजी सिस्टम है, ये एग्जैक्टली इसी तरह का है जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का है, लेकिन वो सिस्टम थोड़े से टफ है। जर्मनी का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उन लोगों के लिए भी बहुत आसान है जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और ट्यूशन फ़ी बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ पे। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ट्यूशन फ़ी होती रही है, वहाँ पे जाके अपने रहने की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टू सम हाउ जो है ना वो उनको अपना बैंक बैलेंस शो करना है, दिखाना है। वीज़ा भी इनकी रेशो भी अच्छी है जर्मनी की, और अच्छी तरह से ये लोगों को डील भी करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि कौन से डिमांडिंग सेक्टर्स हैं जो उन्होंने लॉन्च किए हैं। नंबर वन के ऊपर उन्होंने हेल्थ का सेक्टर को कहा है कि ये उनके लिए बहुत डिमांडिंग सेक्टर है जिसको उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। सेकंड के ऊपर उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है आईटी का सेक्टर। ये मैं जर्मनी इमिग्रेशन की बता रहा हूँ सर आपको कि कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है हेल्थ केयर सेक्टर है, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर है उनका आईटी सेक्टर है, थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग जो इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और नंबर फोर्थ के ऊपर है कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट। नंबर फोर्थ के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, वो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं, आर्किटेक्चुरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियर, और जितने भी इसमें आ जाते हैं वो सारे के सारे, उनके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं और इसमें लेबर के भी लोग हैं। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है सर, आपने उनके पॉइंट्स को फुलफिल करना है, आपने क्वालिफाई करना है। आप उन पॉइंट्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, और PR आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आएगा कि सर ये जो PR है ये किस तरह से होल्ड करती है। सर देखें, सबसे पहले तो ये होता है कि आपको वो एक 5 ईयर की PR प्रोवाइड करते हैं, और उस 5 ईयर्स में आपका आउटसाइड द कंट्री जर्मनी से बाहर 6 मंथ तक ज़्यादा स्टे नहीं होना चाहिए। लाइक 6 मंथ की ब्रैकेट से ज़्यादा आपने बाहर जाके वहाँ पे स्टे नहीं किया हुआ, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं। सेकंडली जो एक और चीज़ आती है वो यहाँ पे ये आती है कि आपके जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको एक अनलिमिटेड PR, वहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई जाती, विदाउट ब्रैकेट एक डेट रख के वो आपको दे दी जाती है। तो सर ये है जो एक उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड कोई आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, आई विल बी गेट बैक टू यू। अगर कुछ पर्सनल डिस्कस करना चाह रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, इसको फॉलो करें, अकाउंट्स को मुझे मैसेज सेंड करें, तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, जरूर इमिग्रेशन में अप्लाई करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा इमिग्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। जर्मनी इमिग्रेशन में ट्राई करके देखिएगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जल्दी आपको जर्मनी की इमिग्रेशन मिलेगी।